ये जो सेटअप मैं आपको बता रहा हूँ, ये सेटअप को आपको टाइम देना पड़ेगा। क्या हमने यहाँ पे लॉजिक लगाया, लॉजिक क्या लगाया यहाँ पे मैं फिर से बता रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो इंडिकेटर हमने ऑन किया, यहाँ पे देखिए इंडिकेटर यहाँ पे ब्लू लाइन के ऊपर आ चुका है, ठीक है, राइट, ब्लू लाइन के ऊपर आ चुका है। और यहाँ पे हमने जो है ट्रेड बनाई कॉल साइड की, ठीक है, यहाँ पे इस कैंडल पे आपका स्टॉप लॉस क्या आएगा, उसी कैंडल का लो। सब्सक्राइबर्स वेलकम बैक टू चैनल अगेन, और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग यहाँ पे अच्छे होंगे और आप सभी को फिर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे जो हमने आपको सेटअप एक्सप्लेन किया था दो दिन पहले, ये देखिए ADX प्लस DI, ठीक है, काफी लोगों ने इस वीडियो को देखा है, काफी लोगों ने इस वीडियो को पसंद भी किया और कमेंट्स इतने आए हैं कि इतने सारे कमेंट्स हमें इसके पहले हमारे किसी भी वीडियो पे नहीं आए थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कमेंट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, काफी अच्छे अच्छे कमेंट आए और जो कमेंट्स है वो जेन्युइन है, जिन लोगों ने इस वीडियो को दिल से देखा है उन्होंने कमेंट किया है रिलेटेड टू स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यू आर शोइंग प्रॉफिट रेंज बिफोर ADX क्रॉसिंग द 25 लाइन, ठीक है, ये जो आपकी कमेंट है हमने नोट कर दी, आपको इसी वीडियो में आपको इसका आंसर दे दूंगा, ठीक है। नीचे आप देखिए बहुत सारे कमेंट्स आए, पैरामीटर कौन सा है, वेरी गुड स्ट्रैटेजी, कौन सा ये में है, और लाइव ट्रेड, नाइस वीडियो, इतने सारे कमेंट्स देखिए हमें जो है यहाँ पे मोटिवेशन मिल रहा है, ठीक है। ऐसे हमें मोटिवेट करते रहिए इस वीडियोस को देख के, वीडियो को लाइक करते, कमेंट करके। आपके जितने भी क्वेरीज यहाँ पे आपने कमेंट सेक्शन में डाली है उसका आंसर मैं यहाँ पे आज के इस वीडियो में दूंगा। तो चलिए हम लोग जाएंगे डायरेक्टली बैंक निफ्टी के चार्ट पे, ठीक है। तो जनरली हम लोग जो है इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए धन का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये जो इंडिकेटर है ये हमें ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे मिल गया है ADX का, ठीक है। तो आप यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू का कोई भी प्लान मत परचेस कीजिए, आप बेसिक वर्जन में इसको इस्तेमाल कर सकते हो। बेसिक वर्जन में आप यहाँ पे लिमिटेड दो इंडिकेटर इस्तेमाल कर सकते हो और हमें इस स्ट्रैटेजी के लिए सिर्फ दो ही इंडिकेटर चाहिए, ADX और EMA, ठीक है। इसकी जो सेटिंग है, टाइम फ्रेम है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है, ये हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। जाके आप वो वीडियो देखिए, स्ट्रैटेजी समझिए, आपके कितने भी क्वेरीज होंगे वो इस वीडियो में आपको सॉल्व करके देने वाला हूँ, ठीक है। जो मूवमेंट है प्राइस मूवमेंट, चाहे वो कॉल में हो या पुट में हो, मैं आपको जरूर इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए हम लोग ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पर अभी आ चुके हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट है 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, दोनों इंडिकेटर्स यहाँ पे ऑलरेडी हमारे ऑन है, ठीक है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि आपको ट्रेडिंग व्यू का कोई भी प्लान परचेस करने की जरूरत नहीं है, ये इंडिकेटर आपको ट्रेडिंग व्यू पे मिल जाएगा और बेसिक प्लान में जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है उसमें आप ये दोनों इंडिकेटर इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए ये देखिए, ये 31 का डेटा है, ठीक है, 31 का डेटा है और यहाँ पे आप देख सकते हो जो ADX है ये देखिए यहाँ पे कितने बजे क्रॉस हुआ है, लगभग 12:15 के अराउंड क्रॉसिंग आपको यहाँ पे देखने मिली, देखिए 12:15 के अराउंड, ठीक है। ये देखिए ये कैंडल है 12:10 और 12:15 की, इस कैंडल के बाद ADX आपको जो है अबाउट 21 दिख रहा है, सॉरी 25, ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, अबाउट 25 जो है ADX आ चुका है। ये जो हमने ब्लू लाइन ड्रॉ की है ये 25 की लेवल है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे RSI इस्तेमाल करते हैं 60-40 का, उसके बाद में 30-70, सेम काइंड ऑफ यहाँ पे हम लोग ADX इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ADX का काम यहाँ पे होता है कि जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है, भले वो अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, उसका कन्फर्मेशन ये देता है ADX हमें, ठीक है। और EMA पे हम लोग यहाँ पे डबल कन्फर्मेशन के साथ यहाँ पे ट्रेड लेते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 12:15 बजे कन्फर्मेशन मिल चुका है कि ADX 25 के ऊपर आ चुका है और यहाँ पे EMA की लाइन के नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, तो उस टाइम पे आपको यहाँ पे पुट खरीदना है, ठीक है। काफ़ी लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग कई बार पुट खरीदते हैं लेकिन हमें मूवमेंट नहीं मिलता मार्केट में, हमने अगर 200 रुपये पे वो पुट खरीदा है, काफ़ी बार हमें 10-15-20 रुपये का प्रॉफिट दिखाता है बट बाद में वो हमारा स्टॉप लॉस जो 30 पॉइंट का वो लेके चला जाता है। आप यहाँ पर सही कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन जो है सिलेक्ट करना सीखिए, हमेशा आप यहाँ पे एट द मनी के कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए, एट द मनी का, ठीक है। उससे क्या होगा, उससे क्या होने वाला, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, एट द मनी का जो अगर आप कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन खरीदोगे तो उससे आपको यहाँ पे जो मूवमेंट है वो आपको काफ़ी जल्दी मिलेगी, ठीक है। चांसेस है कि 10 में से आपको एक आध बार कभी कभी आपके स्टॉप लॉसेस जा सकते हैं अगर मूवमेंट नहीं आए, बट मूवमेंट अगर आएगी तो एट द मनी में आपको वो पॉइंट जो भी आपका टारगेट है 60 पॉइंट, 80 पॉइंट, 100 पॉइंट वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 12:15 को मैं मार्क कर लेता हूँ, ये देखिए ये वो कैंडल है, ठीक है, ये देखिए ये कैंडल है वो, ठीक है। 12:15 को निफ्टी बैंक की रेंज क्या थी, 51,600, ठीक है, दिख रहा है आपको, ये देखिए 51,600। तो आप 51,600 का यहाँ पे पुट खरीदोगे, ठीक है। अभी हमने ऑलरेडी यहाँ पे 51,600 का जो नेक्स्ट एक्सपायरी है उसका यहाँ पे पुट ऑलरेडी यहाँ पे हमने ऐड किया, ये देखिए 51,600 6 नवंबर का, ठीक है। अभी वो लास्ट एक्सपायरी का दिखाना है मेरे पास पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसका डेटा नहीं रहेगा, बट मैं नेक्स्ट एक्सपायरी का आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कितने बजे, ये है 31 अक्टूबर का डेटा, 12:15 की कैंडल यहाँ पे है, ये देखिए ये कैंडल है, क्या प्राइस है 451, देखिए मैं मार्क कर लेता हूँ ताकि आपको दिखाई दे क्या प्राइस है 451, ठीक है। और 451 के बाद ये जो मूवमेंट आई है, इस मूवमेंट में आपको कितने पॉइंट्स मिले ये देखिए आपके सामने, देखिए
ऑलमोस्ट 190 पॉइंट्स दोस्तों, 190 पॉइंट्स एक लॉट में, ठीक है, 15 का एक लॉट है, अगर हम लोग 100 पॉइंट्स भी लेंगे तो 1500 रुपये आपको मिल गए, ठीक है। अभी देखिए वो उनका जो क्वेश्चन था कि हमने ADX की लाइन क्रॉस तो वहाँ पे हुआ था, अगर आपकी एंट्री थोड़ा लेट हो चुका है, अगर आपका एंट्री 450 पे नहीं हुआ, आपको अगर एंट्री यहाँ पे मिल गई तो 500 CB कितना आ चुका है, ये देखिए 500 CB यहाँ पे वो 640 आया, ऑलमोस्ट यहाँ पे भी आपको 120-130 पॉइंट मिल रहे हैं। समझ में आया ADX का काम क्या है? ADX का काम यहाँ पे सिर्फ जो ट्रेंड है, ठीक है, जो ट्रेंड है उस ट्रेंड को यहाँ पे कंफर्मेशन देना, भले वो अप ट्रेंड रहेगा, ठीक है, या डाउन ट्रेंड रहेगा। समझ में आपको? ठीक है, मैं आपको और एक एग्जांपल बता रहा हूँ, रिसेंटली बता रहा हूँ, ठीक है, रिसेंटली बता देता हूँ। तो यहाँ पे रिसेंट एग्जांपल यहाँ पे है, 29 अक्टूबर का है, ठीक है, 29 अक्टूबर का डेटा यहाँ पे है। कितने बजे? सेम टाइमिंग, सेम ही अराउंड 12:05 के आसपास। ये देखिए ADX 25 के अबाव आ चुका है और यहाँ पे वो रेड कैंडल, हम लोग रेड कैंडल पे बाई नहीं करते, बाइंग के लिए हमें क्या चाहिए? ग्रीन कैंडल। तो हम लोग अगले कैंडल पे बाई करेंगे, कितने बजे? 12:10 के आसपास। फिर से हम लोग यहाँ पे जाएंगे, 29 का डेटा है यहाँ पे, 29 का डेटा है यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखिए ये जो हमने कॉल का डेटा यहाँ पे दिखाया, ये पुट का डेटा है, ठीक है, 29 को कितने बजे? 12:10 के आसपास। तो 29 के 12:10 मतलब यहाँ पे क्या प्राइस चल रही है? 471। तो अभी यहाँ पे हम लोग शॉर्ट करेंगे, ठीक है, क्या प्राइस है? 470। उससे आपको कितने पॉइंट्स मिले? शॉर्टिंग में भी 200 पॉइंट्स मिले और कॉल भी हमने ऐड किया है, 51,500 का कॉल भी हमने यहाँ पे ऐड किया। 29th कहाँ पे गया? 29th यहाँ पे है, 12:10 कहाँ पे है? 12:10 यहाँ पे है, ठीक है। ये देखिए प्राइस क्या थी? 744। देख लीजिए आपके सामने ही है, 744 से ये नीचे कितना आया? नीचे 40 पॉइंट आया, ऊपर आप देखिए ऑलमोस्ट 350 पॉइंट ऊपर चला गया है, हुआ कि नहीं हुआ? तो मैं बार बार आपको चिल्ला के यही बता रहा हूँ, ADX का काम सिर्फ आपको यहाँ पे बताना है कि जो ट्रेंड मार्केट में है उसका कंफर्मेशन। अगर आपका स्टॉप लॉस जा रहा है तो ठीक है यार, 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस जाएगा, 10 ट्रेड में अगर आपको 5 या 6 ट्रेड में प्रॉफिट हो रहा है तो फिर भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे, क्योंकि ये जो पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं 50-60 पॉइंट के बजाय 150-200 पॉइंट्स, ये आपका पूरा लॉस रिकवर कर सकते हैं। बट आपको ये जो सेटअप है वो डिसिप्लिन के साथ करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन ट्राई किया, दो दिन ट्राई किया, तीसरे दिन छोड़ दिया, उससे आपको कभी भी प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है। ये जो सेटअप मैं आपको बता रहा हूँ, ये सेटअप को आपको टाइम देना पड़ेगा। क्या हमने यहाँ पे लॉजिक लगाया? लॉजिक क्या लगाया यहाँ पे मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो इंडिकेटर हमने ऑन किया, यहाँ पे देखिए इंडिकेटर यहाँ पे ब्लू लाइन के ऊपर आ चुका है, ठीक है, राइट, ब्लू लाइन के ऊपर आ चुका है और यहाँ पे हमने जो है ट्रेड बनाई कॉल साइड की, ठीक है। यहाँ पे इस कैंडल पे आपका स्टॉप लॉस क्या आएगा? उसी कैंडल का लो, ठीक है, आपका उसी कैंडल का लो स्टॉप लॉस आएगा। मतलब मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, देखिए स्टॉप लॉस लगाया आपने उसी कैंडल का लो, ठीक है। ये बार बार यहाँ पे क्लिक हो रहा है, एक मिनट में आपको यहाँ पे लगा देता हूँ, स्टॉप लॉस आपको क्या आएगा? उसी कैंडल का लो, राइट। और यहाँ पे आपका टारगेट कितना मिला है? ऑलमोस्ट 1:345, ठीक है। आप चाहते तो और एक एग्जांपल देख लेते हैं, आपकी कोई क्वेरी यहाँ पे नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। और अगर आप मार्केट 25 के नीचे ही है तो आप ट्रेड मत लीजिए, मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ, जब आपको ये सेटअप देगा ना दोस्तों काफ़ी अच्छा पॉइंट्स कमा के देगा, इतना आप याद रखिए, ठीक है, काफ़ी अच्छे पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये देखिए कब मिला है क्रॉस ओवर? लगभग अराउंड यहाँ पे 955 को, ठीक है। यहाँ से देखिए कितने पॉइंट्स की रैली है? 250 पॉइंट की अराउंड। ऑप्शन सेलिंग करोगे तो और बेहतर है, ऑप्शन सेलिंग में तो आपको यहाँ पे जो प्रीमियम्स दिखे हैं वो काफ़ी आपको यहाँ पे फ़ायदा करके देंगे। बट मैं आपको यहाँ पे बोलूँगा नहीं कि ऑप्शन सेलिंग आपको करनी है, ऑप्शन बाइंग में आपको यहाँ पे रिजल्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये 24 का डेटा देख लीजिए, ठीक है। ये देखिए एक मिनट, कितने बजे? अराउंड 10 o'clock को आपको यहाँ पे ADX 25 के अभाव है। ये देखिए 10 o'clock की कैंडल ये है, यहाँ से कितनी रैली मिली है? देखिए आप 200-250 पॉइंट की रैली अगर कैप्चर नहीं करते कोई बात नहीं, आपको 100 पॉइंट्स मिल जाएंगे ना, वो कैप्चर कीजिए। और यहाँ पे क्लियरली मैंने बताया था, एटलीस्ट ये वीडियो में बताया था कि ये वाली वीडियो में, कि ये जो है ये देखिए फ्लैट है बैंक निफ्टी, फ्लैट नीचे देखिए 25 के नीचे, यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 वैल्यू को नीचे ADX है। तो साइडवेज मार्केट में आपको ट्रेड ही नहीं करना, जब 25 के ऊपर आएगा ADX तभी आपको ट्रेड करना है, ठीक है, अदरवाइज आपको ट्रेड को प्लान ही नहीं करना है। अगर ADX दिन भर, मैं आपको बताऊँ, ADX अगर दिन भर भी यहाँ पे इसके नीचे जा रह रहा है 25 के वैल्यू के नीचे, तो आपका सेटअप ही नहीं बन रहा है, आपको ट्रेड ही नहीं लेना है, क्लियर है, ठीक है। आई गेस आपको अभी ये जो सेटअप है वो समझ में आया रहेगा, और जो भी आपकी क्वेरीज रहेंगी मैंने ऑलरेडी आपको इस वीडियो में क्लियर की है, फिर भी आपको कोई क्वेरी रहेगी तो आप हमें कमेंट कीजिए, ठीक है,
कमेंट जितना आप करोगे मुझे अच्छा लगेगा, मैं आपको वो कमेंट्स के जो आंसर बैक है मैं यहाँ पे आपको देता रहूँगा। और एक हमारा सेटअप है निफ्टी का जो हमने आपको कल एक्सप्लेन किया था, उसके पहले भी किया था, उस पर भी कुछ कमेंट्स आए थे, उसके बारे में भी मैं आपको अलग से वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, सेटिंग के लिए इतना याद रखिए, सेटिंग के लिए आपको ये वीडियो देखना होगा, ADX प्लस EMA वाला जो पहला वीडियो है, हमने जो दो दिन पहले आपको करके बताया था, जाके उस वीडियो को देखिए, वहाँ पे आपको सेटिंग्स कौन से EMA है, कौन से टाइम फ्रेम पे करना है, रिसीवर रेशियो कैसे फॉलो करना है, पूरा डिटेल आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अभी आपसे विदा लेते हैं, हम लोग आपको मिलेंगे मंडे को विद मार्केट में, कोई ट्रेड सेटअप बनेगा तो डेफिनेटली हम लोग आपको शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। जिन्होंने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल की लिंक दी, जाके उससे आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, यहाँ पे हम लोग जनरली कुछ इंडिकेटर के बारे में या कुछ बेसिक नॉलेज के बारे में, इंडिकेटर बारे में यहाँ पे वीडियो शेयर करते, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ये भी चैनल है trade.tish करके, आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे भी तो न्यू ट्रेड एंड न्यू सेटअप, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।